लॉकडाउन को लेकर लगातार जरूरतमंदों की मुसीबतें और भी देखने को मिल रही है, जिसको लेकर नाथनगर के निवासी समाज सेवी विजय यादव के नंबर पर फोन आया कि नाथनगर के नसरत खनी स्थित एक लॉज से दर्जन भर छात्रों ने फोन कर मदद की गुहार लगाई है। फिर क्या था, विजय यादव ने तुरंत छात्रों को गैस सिलेंडर और पका हुआ भोजन मुहैया कराया, साथ ही एक सप्ताह का राशन भी दिया और भागलपुर के आदमपुर आकाशवाणी रोड के आकर्षण अपार्टमेंट के पास से भी एक लॉज से दर्जनों कॉलेज के छात्राओं ने फोन कर बताया कि राशन नहीं है, खाना कैसे खाएंगे। जैसे ही फोन आया, विजय यादव ने मदद को लेकर राशन लेकर पहुंच गए, सभी छात्राओं को राशन दिया। इसके बाद भागलपुर जिले भर में 5,000 लोगों के लिए पका हुआ भोजन वितरण किया। वहीं विजय यादव ने बताया कि इन दिनों भागलपुर किसी कारण बस के संस्था के द्वारा खाना वितरण स्थगित किया गया है, जिसको लेकर जिले समेत आसपास के इलाके में राशन समेत पका हुआ भोजन और राशन का वितरण किए, ताकि कोई भी गरीब परिवार भूखा न सोए। वीडियो न्यूज बिहार के लिए भागलपुर से राहुल कुमार। आज मैंने करीब 300 लोगों को सूखा राशन उपलब्ध कराया और लगभग 5,000 पैकेट मैंने खाना का वितरण किया है। चूँकि कल आज सुबह मैंने पेपर में पढ़ा था कि जो है कुछ निजी संस्थानों के द्वारा किसी कारणवश उन लोगों ने ये खाने वितरण करने का जो है खाना जहाँ भी वितरण कर रहे थे उस सब जगह दो दिन के लिए बंद किया गया था। इसलिए मैंने 5,000 पैकेट बनवा के शहर के विभिन्न चौक चौराहों पे उन ज़रूरतमंदों के बीच मैंने वितरण किया, जहाँ से वो लोगों ने वितरण करते थे। मेरी कोशिश रही कि जहाँ तक भी कोई भूखा न सोए, और जगह जगह जो है जैसे कि बहुत जगह लॉज से लड़के लोगों का फ़ोन आता है, तो उस जगह पे मैं करीब करीब आदमपुर में 10-12 एक लॉज में जो है लड़की रुकी हुई थी, जिसको खाना राशन वगैरह कुछ नहीं था। मैंने राशन से लेकर गैस तक का सारा व्यवस्था मैंने किया, कुछ लड़के थे उन लोगों के भी सारा व्यवस्था किया। और जगह जगह जहाँ भी जैसे कि दिल्ली, मुंबई, रांची, प्रत्येक जगह मैंने जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, चाहे खाते में पैसा देकर या मेरी टीम के द्वारा जहाँ भी उपलब्ध होता है, मैं उन लोगों को राशन उपलब्ध करवाता हूँ।